Okay, so Vidya ma'am, firstly let me tell you, you're looking very pretty. Thank you. And it's a screening for Photograph. What would you like to say about the screening? One, that I'm a big fan of Ritesh's work. So, big fan of her work. Thank you. So, I can't wait to watch the film. Also, I love Nawaz as an actor, and I've seen some of Sanya's performances lately. She's also fantastic. So, I think it's a great combination. Okay. Ritesh, Producer and actress. Do you like to see you cast her in some of her projects? It would be wonderful to see how you shape her character. Arey, wow! I won't shape her character. I'll be so excited to collaborate with her. I'm pretty sure we will know soon. I hope yeah, so. I hope it'll be so. My pleasure. लंचबॉक्स के बारे में इनको बात करना चाहिए. ये भी एसोसिएटेड थे. ही वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द फिल्म. Yeah, I think Lunchbox blew us all away. So much has been said about the film already. What more can I add to that? I think Ritesh is a wonderful, wonderful writer and director. Irfan and Nimrit were superb in that film. And I'm looking forward to what Nawaz and Sanya have done in this one. No, he's really a fantastic... Don't mention that I lost some weight. Ritesh has lost some weight. Yeah, yeah. That's the only bite he cares about you. he really is a fantastic director. And I remember even when I was at Cannes, there were people who mentioned the Lunchbox. I was in different parts of the world, you know, this is one of those Indian films that people abroad have watched, non-Indians, so I think it's a big thing. आपका मैं फोटो लेना चाहूंगी सुमित. रीजन बिकॉज वो बहुत प्यारा है. थैंक यू सो मच. प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू वांट सम मैसेज फ्रॉम योर साइड. लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स यूथ आप इन्फ्लुएंस करते हैं सबको. दे हैव अ नाउ चांस टू गेट देयर मैंडेट ऑन 29th ऑफ अप्रैल इन मुंबई. I'm so glad you're asking about this, because I feel that if we want a changed world, we need to contribute, we need to participate, and the first thing we can do towards that is to cast our vote. So please get your voter IDs done if you haven't got it done. If you're 18, if you're turning 18 on the 28th of April, you have no excuse not to vote on the 29th. That's great news. So I just turned 18. So थोड़ा सा हिंदी में भी बोलते कई लोग. हाँ बिल्कुल. मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम वोट करें. अगर हम चाहते हैं कि समाज ये देश बदले, तो सिर्फ उंगली उठाने से काम नहीं होगा. उंगली पे वो निशान लगेगा तभी बात बनेगी. तो 29 अप्रैल को आप प्लीज जाके अपना वोट दीजिए. और 18 के ऊपर हैं और अगर वोटर आईडी नहीं है तो अभी भी समय है, वोटर आईडी बनवा लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है. इस तो मुंबई है वैसे पूरे देश में. हाँ पूरे देश में जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, सबसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज जाके वोट कीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. शुभकामनाएं. परसों आप देख रहे हैं कल वो रिलीज के, उसके साथ ही होली भी आ रही. तो ये मैडम कह रही थी कि होली के विशेष भी देने आज शायद आप मिलना हम लोग आज निचोड़ लो. चलिए अगर आपको नहीं इच्छा तो रंग बरसे. हैप्पी होली एवरीवन. हैव अ सेफ वन एंड आई होप दैट साल भर आपकी जिंदगी रंगीन रहे अच्छे तरीके से. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. मैं कल तक काफ़ी एक्साइटेड थी, आज मैं नर्वस हूँ. लेकिन आपने कहा था आप एक्साइटेड हैं. हाँ आज मैं दोपहर को मुझे लगता है नर्वसनेस आ गया मेरे में और मैं थोड़ी अभी हूँ, आज नर्वस हूँ, थोड़ी जिटरी हूँ मैं. गुड इवनिंग सानिया. गुड इवनिंग सुमित. प्रेजेंट मतलब माहौल लगा आपके आने से, हम लोग सब फ्रेश हो गए. अरे यार.
थैंक यू सो मच। हमने अपनी स्टोरी में लिख दिया था कि इस बार आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और आश्वस्त हैं। आज मैं थोड़ी हूँ नर्वस, हो ही जाता है मुझे लगता है थोड़ा टाइम बाद सिंक इन हुआ कि दो दिन में फिल्म रिलीज़ होने वाली है। अब आपके हवाले मेरी फिल्म साथियों, अभी ऑडियंस बताएगी अच्छी है या बुरी है। अभी विद्या आई थी, काफ़ी प्रशंसा कर रही थी आपकी। थैंक यू आई सिद्धार्थ भी थे। हाँ जी, उन्होंने होस्ट कराई स्क्रीनिंग। आई वुड से थैंक यू टू देम, दे विद्या इज़ माई फेवरेट एक्टर। वो मैं जब भी उनसे मिली हूँ मैं फैन गर्ल की तरह मिली हूँ। मैं उनको देख के मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो मेरी मुझे वो बहुत पसंद है एज एन एक्टर। एंड आई एम सो थैंकफुल कि उन्होंने ये स्क्रीनिंग रखी हमारे लिए। आई एम वेरी वेरी लाइक ग्रेटफुल टू देम। लेकिन एक अच्छी भी इंसान भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार थैंक यू। ओके फैमिली, एक अलग क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, वो ये है कि कंपटीशन में किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपकी फिल्म के साथ में दो अलग सॉरी वो कुछ वो अच्छा 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 दो और भी दूसरी फिल्में रिलीज होंगी, तो कंपटीशन के बारे में क्या क्या ख्याल है? मेरा मैं ना कंपटीशन स्कूल छोड़कर आ गई थी। जब मैं स्कूल से निकली मेरे लिए वो कंपटीशन ख़त्म हो गया था। और कंपटीशन नहीं है, सारी फिल्में चलनी चाहिए इक्वली, क्योंकि फिल्में बनने में काफ़ी मेहनत लगती है। लोग बहुत अपना खून पसीना लगा देते हैं एक फिल्म बनाने में, तो हर फिल्म चलनी चाहिए, हर फिल्म ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कोई कंपटीशन नहीं है। मैं चाहूँगी कि हमारी फिल्म भी चले और जो दूसरे लोगों की फिल्में भी आ रही हैं वो भी चले और लोग उतना ही पसंद करें उन्हें। थैंक यू। कौन आया है? कौन कौन से दोस्त आ रहे हैं? तमन्ना है ना, उसको पहले हम रोक लेंगे। और विजय हाय, interview now. I'm leaving guys. Let the gully boy give the interview. मुझे लगता है वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्विटर पे बैठकर सोशल मीडिया पे बैठ के जितना भी जो भी हमें प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम लिखते ज़रूर हैं, पर हमारा ये हक है वोट करना। तो प्लीज़ जाइए वोट करिए, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, ट्वीट करना बहुत आसान है, सोशल मीडिया पे लिखना बहुत आसान है, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जाएँ और वोट करें, क्योंकि ये देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आज पता नहीं क्यों मेरी खिंचाई हो रही है। हाय गुड इवनिंग। सबसे पहले तो तमन्ना जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज फोटोग्राफर स्क्रीनिंग रखी गई है खास, तो आपसे जानना चाहेंगे कितनी एक्साइटेड है स्क्रीनिंग के लिए और आप किसकी एक्टिंग को देखने के लिए? यू नो मैंने जब फोटोग्राफ फिल्म की जो पोस्टर देखा, सानिया एंड नवाजुद्दीन मेक्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कास्टिंग एंड सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी हाउ देयर व्हाट इज देयर पार्ट एंड आई मीन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नवाज़'s वर्क सो आई जनरली लाइक वॉचिंग हिज फिल्म्स सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग देयर परफॉर्मेंसेस एंड आई एम रियली श्योर दे माइट दे विल बी रियली अमेजिंग। ओके आल्सो हम ट्रेलर देखते हैं तो लव स्टोरी का कहीं ना कहीं एंगल नजर आ रहा है ट्रेलर के हिसाब से और नवाज़ ऐसे किसी किरदार में नहीं देखा। द गुड पार्ट इज आई थिंक नवाज सच एन एक्टर दैट वो कोई भी किरदार निभा सकते हैं सो एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली टू वॉच हिम इन अ लव स्टोरी सो इफ दिस हैज दैट एंगल देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच दैट बिकॉज़ इट विल बी एन अनकन्वेंशनल लव स्टोरी। क्या बोलूँ मैं इसकी? हाँ ओके देन Who do I give the credit to? Yeah. My mother. Who do you like to picture? Who would I like to photograph? I know this might sound a little strange, but my puppy. He's such a poser. I can't tell you. Matlab, he's such a. Every time I try to take a photo, na, he will stand in the exact pose. I think aap ghar aaye the, to aapne dekha tha. So my puppy is the one who I like obsessively photograph a lot. So, yeah. So,
Well, I guess for me, you know, the films have never mattered whether in what language I make them or what language I'm a part of, but essentially I've been always wanted to do good work. So I think jis waqt wo mujhe acha script milega, wo Hindi film hogi, main zarur karunga. Being a person who influences people and you would like to have your views as the people and the youth will now get the right opportunity to give their mandate for the country for next 5 years. Right. Aap kya kehna chahenge? Anything you would like to say for the people to come and vote? Yeah, of course. I think in general, I think as citizens should vote. That's very, very important. And the youth has the power in its hands, so why not? Ab main jaun film dekhne jaun, enjoy karu thoda. Thank you. Aur kuch? Thank you. अब मुझे रितेश बत्रा का काम बहुत अच्छा लगता है. उन्होंने बाहर जो काम किया है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है. उनकी जो लास्ट फिल्म थी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आके बताती हूँ कैसे लगी. ठीक है, थैंक यू. Obviously Nawaz bhai and I really feel that his time has come. It's Ritesh. I think he's a shy guy but he deserves all the credit. Really thankful to Vidya ma'am and Sid sir for inviting us and supporting this film. Thank you. Thank you. So photograph is screening yaar. Ji. Excited. बहुत ही excited हूँ क्योंकि रितेश बत्रा का काम मुझे बहुत पसंद आता है. लंच बॉक्स मैंने देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी. नवाज़ दोस्त हैं, नवाज़ ने मुझे एक्टिंग सिखाई भी है, बहुत टाइम बिताया हमने साथ में. तो मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं. मामी में कल स्क्रीनिंग हुई, मैंने सुना वहाँ बहुत अच्छे रिव्यू हैं. तो मैं फिल्म देखना चाहता हूँ. सानिया का काम बहुत अच्छा है. सानिया का काम जितना भी मैंने देखा है मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत एक्साइटेड. जी कैनवास को बहुत ही मार्मिक तरह से और ह्यूमन रिलेशंस को दिखाया जाता है. वो भी शायद इसी फिल्म में भी शायद इसी तरह से कुछ अनुभूति होती है. आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि रितेश बत्रा जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक फिल्में बनाते हैं. उनकी फिल्मों में एक अजीब सी वॉर्म्थ होती है, एक अजीब सा चार्म होता है जो उनके एक यूनिक सिग्नेचर है आई गेस. और मैं जो फिल्में बनाई हैं, मैंने मतलब शिप ऑफ थीसियस प्रोड्यूस की है और तुम्बाड़ की है, वो कुछ अतरंगी फिल्में थी, थोड़ी सी अलग फिल्में थी. तो जो लैंग्वेज सिनेमा की वो अलग अलग है, पर मुझे बहुत पसंद आता है रितेश की जो सिनेमा, रितेश का जो डायरेक्शन है मुझे बहुत पसंद. आप हैं तो कुछ लाभ. दीपिका पादुकोण, या शी सो ब्यूटीफुल, तो फोटोज खींचनी चाहिए आई गेस. अब तो क्या परमिशन सर लेनी पड़ती है. यस आई एग्री. दूसरा सर, ये आप निर्माता हैं, निर्देशक हैं, एक्टर हैं, भारतीय नागरिक हैं जी. अब हमारे 5 साल पूरे हो गए हैं वापस से. हम लोगों को अधिकार है कि हम एक ऐसी सशक्त सरकार ला सकें, ऐसा वर्चस्व ला सकें. कई युवा हैं जो आपकी बातें सुनेंगे, इसके ऊपर अपने विचार मतदाता के. तो मुझे लगता है तो वोट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत है हमारी. तो जैसे कि अब चुनाव आ रहे हैं तो हर आदमी को वोट करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है. और तो यही कहना चाहूँगा मैं सब युवा वर्ग से कि प्लीज़ जाइए और वोट कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपके. थैंक यू सो मच. थैंक यू.